दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS by नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा, तैयारी कहने का मतलब अब ये है कि आप TGT आर्ट की तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। तो TGT आर्ट के लिए आपके पास अभी तो कोई डाटा है नहीं, हमने सिलेबस आपको प्रोवाइड करा दिया, एक टेस्ट करवाया था आपको, 20 प्रश्न थे, उसमें सभी के सभी प्रश्न TGT से प्रीवियस ईयर से कोरिलेट हैं। तो एक भी प्रश्न हल्के में नहीं लेना है, नोट डाउन अवश्य कर लेना है, क्योंकि यहाँ रिपीटेशन की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई भी पेपर आप उठाएंगे, देखेंगे सब के सब कोरिलेट हैं एक दूसरे से, ठीक है? तो सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं, सभी को नोट डाउन कर लेना है, आपको एकदम कंठस्थ कर लेना है। आज के इस वीडियो में भी हम लोग TGT PGT आर्ट के लिए डाटा प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं, एक छोटा सा टेस्ट ले रहे हैं। 20 प्रश्न हैं, कितने प्रश्न आप लोग सही कर पाते हैं ये कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। टारगेट है नई शिक्षक भर्ती जो 27,000 आने वाली है, उसके लिए हम लोग टारगेट करके बैठे हैं, उसी की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। लेटेस्ट में 2 तारीख से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो 2 अप्रैल से आपको नया बैच मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तब तक हम लोग मॉडल पेपर के माध्यम से, टेस्ट पेपर के माध्यम से और प्रीवियस ईयर पेपर के माध्यम से तैयारी करते रहेंगे। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, आपको नियमित वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है? आइए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, कहा जा रहा है खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट आंसर आपको बताना है। तो खजुराहो बेटा कहाँ पे स्थित है ये बताना है, तो मामा की नगरी मध्य प्रदेश में स्थित है, राइट आंसर सी हो जा रहा है। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये तो GS का प्रश्न है, हमने वन डे एंट्रेंस की तैयारी की, वहाँ पे प्रश्न बहुत अच्छे से पूछा गया। बेटा, आपका जो TGT पूछता है वो 125 प्रश्नों का सेट होता है, सभी के सभी प्रश्न इसी टाइप के बहुविकल्पीय होते हैं। पहले ये 425 अंकों का होता था, अब फाइनली ये 500 नंबर का पेपर हो गया है, केवल और केवल 500 नंबर का पेपर होगा, 125 प्रश्न पूछे जाएंगे, कट ऑफ बहुत हाई जाता है, बार बार कहता हूँ कट ऑफ हाई जाता है, माइनस मार्किंग का प्रावधान नहीं है, इसलिए कट ऑफ हाई जाता है। केवल कट ऑफ के आधार पे आपको नौकरी मिल जाएगी, आप किसी भी कैटेगरी में हों, किसी भी कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हों, कोई दिक्कत नहीं है, आपको केवल और केवल पढ़ना है। कुछ लोग मैसेज करते हैं, सर पैसा बहुत लगता है, TGT आर्ट में सुने हैं कि 5 लाख 6 लाख रुपए घूस चलते हैं। बेटा, कहीं भी घूस का प्रावधान नहीं है, ना कोई खुल्लम खुल्ला मांगता है आपसे, ठीक है? आपको केवल और केवल मेहनत करना है, पसीना बहाना है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। जब वैकेंसी आएगी उसमें आपका नाम आ जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट में, तब आपको पता चलेगा कि 0 डाउन पेमेंट के आपके नौकरी मिल गई है, ठीक है? तो आपको केवल और केवल तैयारी करना है, एक्स्ट्रा बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। मैंने जो सिलेबस कराया है, सिलेबस सबसे पहले आपको अपने आगे चिपका लेना है, जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं उसके आगे दीवार पे चिपका लीजिए, आराम से पर डे उस सिलेबस को देखते रहिए, क्या क्या हमने आज पढ़ा है, किस किस टॉपिक को हमने टेस्ट के रूप में दिया है, इन सब पर विशेष फोकस करते रहना है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। सटीक रणनीति के साथ हम लोग तैयारी करते हुए आगे चलेंगे। आप वन डे एंट्रेंस की तैयारी किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसी से संबंधित आपको यहाँ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न पूछे जाते हैं, 125 प्रश्नों में से कितने एक प्रश्न आप लोग सही कर पाते हैं, सबसे ज्यादा इसी पे फोकस होता है कि फाइनल ज्वाइनिंग आपका कैसे होगा, ठीक है? तो ये 20 प्रश्न है, कैसे आपके जा रहे हैं कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। छोटा सा आपका टेस्ट पेपर है, देखना है सभी के सभी प्रश्न कैसे आते हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर से ही कोरिलेट हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है किस राज्य में नीली पॉटरी के लिए जाना जाता है, किस शहर को नीली पॉटरी के लिए जाना जाता है? ऑप्शन हैं दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, अहमदाबाद। बेटा, राइट आंसर क्या बनेगा, तो यहाँ पे राजस्थान का शहर जयपुर नीली पॉटरी के लिए जाना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है कामसूत्र के रचयिता कौन है, क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ना है, उसके बाद राइट आंसर देना है। कल हमने देखा था जयमंगला किसकी रचना है, तो जयमंगला यशोधर पंडित राइट आंसर थे, जबकि आज पूछा गया है जयमंगला, ये इसी का टीका है, ठीक है? कामसूत्र का ही टीका है जयमंगला, यशोधर पंडित रचनाकार हैं। कामसूत्र के रचयिता कौन है, वात्स्यायन कृति है कामसूत्र, ठीक है? राइट आंसर क्या बन जाएगा, फर्स्ट वात्स्यायन इसके राइट आंसर बनेंगे। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है एलोरा में गुफाएं और शैलाकृति मंदिर हैं, ऑप्शन हैं बौद्ध के, बौद्ध और जैन के, हिंदू और जैन के, या फिर हिंदू बौद्ध और जैन के।
प्रीवियस में हमने खूब अच्छे से प्रैक्टिस की थी जब हम लोग प्रावैधिक कला की तैयारी कर रहे थे, उसके साथ साथ बीच बीच में हमने इसीलिए वीडियो प्रोवाइड किया था कि आप लोग देखते रहें कैसे TGT में प्रश्न पूछे जाते हैं, तब इसकी प्रैक्टिस हमने की थी। एलोरा में तीनों धर्मों से संबंधित शैलाकृति मंदिरियाँ प्राप्त होती हैं। तो कौन कौन सी मंदिर मिलती हैं? हिंदुओं के लिए भी, बौद्धों के लिए भी और जैन के लिए भी वहाँ पे मंदिर मिलती है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है बॉटिक पेंटिंग किया जाता है। तो बेटा बॉटिक पेंटिंग किया जाता है किस पे? ऑप्शन है कपड़ा, दीवार, चेहरा, कागज़। तो बेटा बॉटिक पेंटिंग के लिए सबसे अच्छा उपकरण है कपड़ा। इस पे लोग अपने फेस को भी बनाते थे, कुछ लोग अपने चित्रों को दर्शाते थे, फिर उसी कपड़े को सुखा के पहनते थे। बॉटिक पेंटिंग उसका बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक है, राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। प्रश्न नंबर 6 पूछा गया है इंडो आर्य कौन सी भाषा बोला करते थे? ऑप्शन है हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, पॉली। बेटा इंडो और आर्य जो है मूल रूप से संस्कृत भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग किए हैं। राइट आंसर कौन सा बन रहा है? सी बन जा रहा है। टेस्ट के रूप में हम लोग पेपर लिए हैं तो टेस्ट के रूप में हम लोग आंसर्स भी दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं, पूछा गया है भीम बेटिका और लखन दियारी पंचमढ़ी ये गुफाएं हैं कहाँ प्रसिद्ध हैं, किसके लिए फेमस हैं? ऑप्शंस हैं बौद्ध स्तूप के लिए, गुफा के लिए, विष्णु मंदिर के लिए या फिर प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए। तो बेटा भीमबेटका, लखन दियारी और पंचमढ़ी मूल रूप से प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए फेमस हैं, सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई है इन्हें, प्रागैतिहासिक चित्र यहाँ पाए जाते हैं। राइट आंसर डी बन जा रहा है। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं, पूछा गया है देवी प्रसाद राय चौधरी आपके सिलेबस में हैं, हमने इनसे रिलेटेड लगभग 40 महत्वपूर्ण प्रश्न कराए थे DP राय चौधरी से। तो देवी प्रसाद राय चौधरी संबंधित हैं। ऑप्शन से चित्रकार, छायाकार, मूर्तिकार, कवि। अक्सर लोग चित्रकार लगाते हैं जो कि ऑप्शन बिल्कुल गलत है। DP राय चौधरी का संबंध मूर्तिकला से है, एक अच्छे मूर्तिकार हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, 9 में कहा गया है वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? तो बेटा वेदों की रचना मूल रूप से किस भाषा में हुई है? ऑप्शंस है हिंदी, फारसी, देवनागरी, संस्कृति। तो वेदों की रचना मूल रूप से सबसे जो है अच्छी भाषा संस्कृत में हुई है। राइट आंसर क्या हो जा रहा है? डी बन रहा है। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं, 10 में पूछा गया है भारतीय कला का स्वर्ण काल किसे माना जाता है? तो भारतीय कला का स्वर्ण काल किसे माना जाएगा बेटा? ऑप्शंस हैं मौर्य काल, शंगु काल, गुप्त काल, कुषाण काल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा स्वर्ण काल के लिए वो गुप्त ईरा बनेगा। राइट आंसर बनेगा गुप्त काल। भारतीय कला का स्वर्ण काल गुप्त काल। राइट आंसर सी हो जा रहा है। ये सभी आपके सिलेबस में है, ठीक है, इसीलिए यहाँ से प्रश्न बनता है। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है बुडकट तकनीकी कौन सी कला के अंतर्गत आती है? बुडकट तकनीकी का मुख्य रूप से प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, कौन सी कला वो है? ऑप्शन है चित्रकला, पुष्प संयोजन कला, पॉटरी कला या फिर छापा कला। तो बेटा बुडकट तकनीकी का प्रयोग मूल रूप से छापा कला में किया जाता है। छापा कला इसका राइट आंसर बन रहा है बी। प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं, 12 में पूछा गया है पिरामिडों का देश कहा जाता है। कुछ लोगों को लग रहा होगा विविध टाइप के प्रश्न कराए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारे के सारे प्रश्न TGT 8 में पूछे जा चुके हैं। 2009 और 10 में ऐसे प्रश्न आए थे। पिरामिडों का देश कहा जाता है, ऑप्शन है जापान, चीन, कोरिया, मिस्र। राइट आंसर क्या होगा बेटा? मिस्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं, 13 में कहा गया है भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन हैं सारनाथ, सांची, वैशाली या फिर बोधगया। राइट आंसर क्या बनेगा बेटा? तो सबसे पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था, वाराणसी के समीप है। राइट आंसर बन रहा है फर्स्ट। वनडे एंट्रेंस की तैयारी करने वाले इस टेस्ट को बहुत अच्छे से करेंगे, हमें लगता है उनका 16-17 तो सही जाएगा ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से कोरिलेट हो रहे हैं। दो एक प्रश्नों की बात नहीं करते, बाकी लगभग वहीं से प्रश्न आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं, पूछा गया है मोनालिसा संग्रहित है, ऑप्शंस हैं पेरिस, भारत, लंदन, अर्जेंटीना। तो मोनालिसा कहाँ पे बेटा है? तो मोनालिसा संग्रहित है पेरिस में। राइट आंसर बन जा रहा है फर्स्ट।
प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। 15 में पूछा गया है, मूल रंग के समूह कौन कौन से हैं। साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मूल रंग कौन कौन से हैं। ऑप्शंस हैं काला नीला पीला, नीला लाल हरा, नीला पीला लाल, पीला नीला हरा। बेटा राइट आंसर होगा, जो मूल रंग हैं, प्राइमरी रंग हैं, उन्हें हम लोग नीला पीला और लाल के नाम से जानते हैं। नीला पीला और लाल इसका राइट आंसर बनेगा, बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 में कहा गया है एलोरा प्रसिद्ध है। ऑप्शंस हैं एलोरा क्या है, गुफा है। एलोरा गुफा है। ऑप्शंस हैं चित्रों के लिए, दृश्यों के लिए, वस्त्र निर्माण के लिए या फिर मूर्तियों के लिए। तो मैं बताता हूँ, जब एलोरा है गुफा, तो गुफा में पाई क्या जाएंगी, मूर्तियाँ पाई जाएंगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है यानी फेमस है। राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी का सही जाएगा। अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता हैं। ऑप्शन है कालिदास, दांडी, बाणभट्ट, भवभूति। तो बेटा अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन हैं, बाबा कालिदास इसके राइट आंसर बनेंगे। फर्स्ट इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। 18 में कहा गया है पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार हैं। ऑप्शंस है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नारद। बेटा पौराणिक रूप से पहले चित्रकार माना गया है ब्रह्मा जी को। राइट आंसर क्या हो जा रहा है, फर्स्ट। कुछ लोग सोच रहे होंगे आध्यात्मिक प्रश्न है, ऐसा नहीं पूछा जाता है। बेटा ये 2010 में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो प्रश्न हल्के में नहीं लेना है आपको। मैं उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार ब्रह्मा जी हैं। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, होली फैमिली पेंटिंग के चित्रकार कौन हैं। तो बेटा होली फैमिली पेंटिंग के चित्रकार कौन हैं। ऑप्शंस हैं वान गाग, रेम्ब्रा, पाल सिंजा या फिर माइकल एंजिलो। तो होली फैमिली के चित्रकार कौन हैं बेटा, तो माइकल एंजिलो हैं। राइट आंसर डी हो जा रहा है, डी इज़ द राइट आंसर। लास्ट प्रश्न है, पूछा गया है रौद्र रस का रंग कौन सा होता है। रौद्र रस का रंग कौन सा होता है पूछा गया है। तो बेटा रौद्र रस का रंग बताना है आपको, नीला लाल काला पीला। तो नीला लाल काला पीला में रौद्र रस कैसा होगा बेटा, तो रौद्र रस सदैव लाल होगा। लाल इसका राइट आंसर बनेगा। श्रृंगार का प्रतीक क्या होता है, तो श्रृंगार रस का प्रतीक होता है श्याम रंग। श्याम रंग हल्का सांवला, ठीक है, ये श्रृंगार का प्रतीक होता है, श्रृंगार। ऐसे ही अगर बात कर लें तो लाल का रौद्र हो जाता है। वीर रस का कैसा होता है, तो वीर रस जैसे हनुमान जी होते हैं, लाल रस जो है लाल रंग ही वीर रस का भी प्रतीक हो जाता है। भूरा किसका होता है, तो भूरा करुण रस का होता है। भूरा किसका होता है, करुण रस का प्रतीक होता है, ठीक है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो कुछ हेल्पफुल लगेगा, आपको यह समझने में प्रयास होगा कि TGT में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जो हमने इसका सिलेबस पढ़ाया, पाठ्यक्रम पढ़ाया, वो पाठ्यक्रम से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, एक्चुअली में आपको जो है पढ़ना क्या है और कैसे आप भारतीय कला एवं संस्कृति को पढ़ेंगे और कैसे कैसे प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं, इससे आप जो है रूबरू हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो बेटा वीडियो लाइक कर दो, फ्रेंड्स के बीच अवश्य शेयर करो, जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।